फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि अन्ना जी के ऊपर उनकी उनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बन रही है, एंड पूरा इंडिया उनका, पूरा देश उनका फैन है, बट मैं सबसे बड़ा फैन रविंद्र जी का हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके लिए गाना गा रहा हूँ। अन्ना जी के हम सब फैन हैं, लेकिन मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मेरी यू नो बहुत खुशनसीबी है कि इन्होंने मुझे बुलाया, एंड बचपन से हम इनकी मूवीज़ के सॉन्ग सुनते आए, एंड अब दो लेजेंड बनेंगे, एक तरफ रविंद्र जी हैं और दूसरी तरफ अन्ना जी हैं, तो दोनों के लिए गाने का मौका मिल रहा है। एंड आई थिंक हम सब जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ कैसे रही है, किस तरीके से वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो देश का हर नौजवान अगर इस फिल्म को देखेगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वेल, रविंद्र जी ने ऑलरेडी इतने यू नो राम तेरी गंगा मैली से लेके इतने सुपरहिट गाने उन्होंने दिए हैं, तो आज हम तो नए नए बच्चे हैं इनके सामने, तो बड़े इन्होंने जो लता जी को गवाया, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को इन्होंने गाना गवाया, तो आज हम, मेरी खुशनसीबी भी है कि मैं इनके लिए गाना गा रहा हूँ। आई होप के अच्छा गा पाऊंगा, बिकॉज इनकी ट्यून्स जो होती हैं कंपोजिशन बहुत मुश्किल होती है। मैं यही कहूँगा कि चारों ओर से सदा आ रही मिक्का मिक्का मिक्का, वाहे गुरु की कृपा से मिक्का का चल गया सिक्का। नहीं, अभी मैं गाना सुनूंगा आगे, एंड एक्चुअली पहले मेरे एक स्टूडियो में था सारा तामझाम, तो फिर फटाफट थोड़ा शिफ्ट हुआ, तो मैं अभी तैयार होकर इधर आया हूँ। चढ़ने की प्रॉब्लम हुई? कोई टेंशन नहीं सर, कोई कोई प्रॉब्लम।